चाहते हैं वो साइड हो जाए। नहीं, हमारा चाहते हैं, हम माना भी नहीं चाहते हैं। Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दाल पीस रही हूँ क्योंकि आज है मौछट, तो इसके मंगौड़े बनेंगे, इसके दही बड़े बनेंगे, तो मैं जल्दी से पीस लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है मेरे चैनल अपनी अतरंगी दुनिया में। तो आज है मौछट वाला दिन, तो मैं जल्दी जल्दी से आज लंच की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है घर, मेरे भाई की पहली मौछट है। तो जल्दी से मैं खाना बना रही हूँ। खाने में आज मैं बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं दही वड़े के लिए सामान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने सेवैयों की खीर बनाई है। तो सबसे पहले दूध में मैं सेवैयाँ मैंने रोस्ट कर ली थी वो डाल दूँगी। यहाँ पर दाल भी पिस के रेडी हो गई है। तो गणपति जी की पूजा मैं नहा धो के सबसे पहले करती हूँ, तो छोटी मोटी प्रिपरेशन पहले कर ली थी, अभी मैं जाके सीधा खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल भी पीस ली है, अब मैं इसे अच्छे से फेंटूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा खाना सोडा और उसके साथ साथ डालूँगी थोड़ा सा नमक और फिर मैं इसको अच्छे से फेंटूंगी। और इसमें जब मैं अच्छे से फेंट लूँगी फिर इसमें डालूँगी मैं इनू का पाउडर। इनू के पाउडर से बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं बड़े। ये मैं उड़द की दाल के बड़े बना रही हूँ और साथ साथ मैं मंगौड़े भी बनाऊँगी। तो ये यहाँ पर मैंने अच्छे से दाल फेंट ली है और मम्मी बना रही हैं मंगौड़े और यहाँ पर हमारा भोग बन के रेडी हो गया है। तो गन्नू जी को मैं भोग लगाने आई हूँ। तो यहाँ पर दही वड़े भी मेरे रेडी हो चुके हैं और ये है आज की थाली। इसमें है एक सूखी सब्जी, मठे के आलू, दही बड़ा, खीर, कचौड़ी और मंगौड़े, पूड़ियाँ, ये सब आज का खाना है। तो ये सब करने के बाद मैं भी खाना खाऊंगी। फिर अभी भाई आ गया है तो मैं निकल रही हूँ, घर जा रही हूँ और घर जाने की खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। और आज तो त्यौहार है तो बहुत ही मज़ा आएगा सबके साथ। तो आप भी चलिए मेरे साथ मायके में और देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या मस्ती करी है। बहुत कुछ किया है आज हम लोगों ने क्योंकि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे मौज से आने के लिए। तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो घर आने के बाद मुझे चाची वगैरह और मेरी सिस्टर्स भी आई है, वो भी मिली। और यहाँ पर मौछट का सामान जो आया है हम लोग वो देख रहे हैं, साड़ी वगैरह, और ये बिछिए हैं। कॉम्पिटिशन चल रहा है कौन कितना अच्छा मेकअप करता है, लेकिन अफसोस दोनों ही भूतनी लग रहे हैं। छोटी बहन इनको साड़ी पहना रही है, लेकिन देखो यहाँ पर ये चल रहा है इनका। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं मौर सिराने के लिए। तो हम लोग पास ही के बनखंडेश्वर मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पर सभी लोग आएंगे और यहाँ पर हम सारे मोहल्ले वाले भी हैं जो बुलौआ लगता है ना, तो सभी लेडीज़ हमारे साथ जा रही हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं टमटम से क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है। तो अभी ये हम लोग सोच रहे हैं कौन किसके साथ बैठेगा, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और चाची मम्मी सब लोग हैं। तो मैं, सृष्टि वगैरह, रचेता, दादी, ये लोग एक गाड़ी से जाने वाले हैं, अगली से और भी जाएंगे। तो ये हमने दो तीन टमटम कर रखी है। तो ये देखिए हम लोग बस निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है, आपको मैं दिखाने वाली हूँ आगे चल के। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा और पूरा व्लॉग देखिएगा।
फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही प्राचीन वनखंडेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ पर भोले बाबा की मंदिर है और सारा शिव परिवार है, और भी मंदिर है। तो अभी मैं भोले बाबा के दर्शन कर रही हूँ। यहाँ पर ना चावल चढ़ाने का रस्म है, तो यहाँ पर चावल चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा को, तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं। तो रचिता भी दर्शन कर रही है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा मोर सिराने के लिए, तो अभी मम्मी लोग नहीं आ पाई हैं, हम लोग ही पहुँच पाए हैं, तो मम्मी पीछे से आ रही हैं। तो यहाँ पर चाची मम्मी सब लोग आ चुके हैं, तो देख सकते हो आप कि कितनी भीड़ है। पिछली बार जब मैं सृष्टि की मोरछट के लिए आई थी तब इतनी भीड़ नहीं थी, इस बार तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो मम्मी लोग भी आ चुकी हैं, तो हम लोग एक फ़ोटो खिंचा रहे थे। और यहाँ पर देखिए आप कितनी भीड़ है। और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे टिक्की वाले थे और ये भैया आइसक्रीम बेच रहे थे। इनका आइसक्रीम बेचने का अंदाज़ बहुत ही अलग था। तो यहाँ पर मोर की पूजा चल रही है, इसका पूजन करने के बाद फिर इसको सिराया जाएगा ताल में। तो बस आप सब लोग देखते चलिए कि आगे क्या क्या हुआ, इसके बाद हम लोग घर निकलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पोज दे रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाची मम्मी दादी बुआ वगैरह सब लोग जा रहे हैं मोर को सिराने के लिए। उसका पूजन हो चुका है, तो ये जो ताल है इसी में सिराते हैं हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हो कि सभी लोग, तो फाइनली मोर सिर गया है। अभी पानी की होली खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत सबके ऊपर छिड़का जाता है, तो सब लोग कह रहे हैं मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, तो सबको फिर जो बुलौआ हुआ था ना उसको सबको बटौना बांटेंगे। उसके बाद अभी भाई की एल्बम आ गई थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो देखते हैं। ये देखो जिंदगी में पहली बार पहली पूरी बेलते हुए। रुको दीदी, रुको, पूरी दिखाएंगे, उनके गोल है। हाय हाय, सालों साल में एक गोल पूरी। मैया पूरी बेलेगी। नचिया। तो फ्रेंड्स, एल्बम देख ली है, अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। खाना खा के फिर मैं घर निकलूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 9:30 बज गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं निकल रही हूँ घर, घर पहुँच के आपसे बात करती हूँ। तो चलो चलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स, मैं घर अब वापस आ चुकी हूँ। आज का दिन बहुत टायरी था, मैं बहुत थक गई हूँ यार। सुबह मोरछट थी तो जल्दी जल्दी काम किया, फिर सीधा रेडी होके निकल गए। आर्या भी आ गई है, और अभी मैं फुल टू आराम करने वाली हूँ। आज मैंने ये साड़ी पहनी थी और जल्दी जल्दी मैं रेडी होके निकल गई थी। अभी हम लोग घर वापस आ गए, अब हम निन्नू करेंगे। बोलो बाय बाय फ्रेंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज लाइक शेयर अगर पसंद आए तो। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, मैंने साड़ी चेंज कर ली है, पूरी ज्वेलरी निकाल दी है। भाई मुझसे नहीं पहनी जाती, बहुत गर्मी है, बाहर निकल नहीं सकते अब। अभी अपने रूम में आके बड़ा शांति मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।